फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने किचन में फ़िश फ्राई बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने ये फ़िश ली है। ये मोटे काटे वाली फ़िश है। ये मैंने 1 किलो ली है और इसमें मैंने आटा और लहसुन लगा के रखा है, जो हमारे पहले के बुज़ुर्ग लगा के रखते थे सिंपल तरीके से। बस आटा और लहसुन लगा लो, इससे इसकी स्मेल चली जाती है, जो इसमें हीक आती है ना वो ख़त्म हो जाती है। इसको मैंने 1 घंटा लगा के रखा है, ठीक है। अब मैं इसको वॉश करके और छन्नी में करके रखूँगी। उसके बाद आप ये चटनी का सामान देख लीजिए, इसमें हरी चटनी जाती है। इसके यही इसी के साथ इसको खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, मैंने चटनी के लिए धनिया लिया है, इसके डंठल निकाटे बस धो के साफ कर लिया है, जो गंदी थी वो हटा दी है। मिर्चें हैं 8-10, नमक है, 1 नींबू है और ज़ीरा है और दही है। ये सब मिला के मैं इसकी चटनी पीसूंगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सारा सामान इसमें डाल लिया है और मैंने थोड़ा 1.5 चम्मच दही बचा लिया है, इसलिए मैं ऊपर से डालूंगी। इसमें थोड़ा अच्छा सा लगता है ऊपर से डालने में, मैं पीस के लाती हूँ उसको। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने जो दही बचाया था थोड़ा सा, ये ऊपर से डाल लिया, इसमें अच्छा लगता लगता है और कुछ नहीं है। इसको थोड़ा सा मिला लीजिए आप इसको। ये देखिए, अब हो गई चटनी आपकी तैयार। अब मैरिनेट के लिए जो सामान है वो ये देख लीजिए। इसमें बेसन कम ही जाता है, ज़्यादा नहीं जाता। ये 3 चम्मच मैंने बेसन ले लिया, 3 से 4 बड़े चम्मच ले लीजिए बेसन, ठीक है। और ये लिए चाट मसाला 1 चम्मच, 1 चम्मच ये धनिया साबुत, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच से थोड़ी सी कम अजवाइन और ये कुटा भुना ज़ीरा 1 चम्मच, ये 2 लेमन के जूस निकालो। ये मैं एक बार मिक्सी के जार में चला के हल्का सा कूट, जैसे दरदरा हो जाता है ना, ऐसे कर लूँगी इसको, कूट लूँगी। चल रहा है। ये देखिए, इसमें से मैं मसाले डालूंगी। ये है पिसी मिर्चें, अभी मैं जब डालूंगी तो बता दूंगी, 1-1 चम्मच है। और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स है, ये मोटी वाली, ये भी डालूंगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बाकी नमक है, गर्म मसाला, हल्दी है, ये चीज़ मैं डालूंगी। मेरे पास नमकदानी थी इसलिए मैंने पूरा ही आपको दिखा दिया इस तरीके से, थोड़ा जल्दी हो जाए, कम टाइम लगे। ये देखिए फ्रेंड, मैं अपनी फिश धो के ले आई। देखिए वो तो बहुत इजी से ये धुल जाती है। देखिए, आटा और इसमें लहसुन लगा हुआ था पिसा हुआ, बहुत आसानी से धुल गई है। और मैंने इसको छन्ने में रख ली ताकि इसका सारा पानी सूख जाए, क्योंकि इसमें हमें पानी नहीं चाहिए ना, बिल्कुल सूखी चाहिए ना ये हमें। अब मैं इसमें मसाले डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन, ये भी इसमें जाएगा। अब मैं आपको मैरिनेट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने धनिया और ये सौंफ साथ में पीस ली थी, एक साथ ही पीस ली मैंने इसलिए, क्योंकि बार बार अलग अलग क्या है। देखिए इसका जो टेस्ट होता है ना वो अलग होता है। कोई भी रोस्टेड चीज़ होती है जो मैं बनाती हूँ तो इसमें ये ज़रूर डालती हूँ, इसकी जो फ्लेवर होता है वो अलग से होता है बिल्कुल, और इसकी जो सिसान जो होती है ना उसको दबा देता है इसका फ्लेवर, इसलिए मैं तो अक्सर डालती हूँ। देखिए चाट मसाला, ये है अजवाइन, ये ज़रूर जाएगी इसमें अजवाइन, अजवाइन के बिना फिश फ्राई अच्छी नहीं लगती। ये कुटा ज़ीरा है, कुटा भुना ज़ीरा मैंने अपने पास रखती हूँ स्टोर करके। ये है बेसन, मैंने ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें ना हल्का बेसन जाता है, मैंने ज़्यादा नहीं लिया बेसन, कम ही लिया है, ये मैं बचा लेती हूँ, मुझे ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैंने बचा लिया। ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है लेमन जूस, ये भी डाल देती हूँ मैं इसमें। अब मैं इसमें ये देखिए 1 चम्मच मैंने डाला है, ये चम्मच बहुत छोटा है। देखिए आप जो इसमें आता है ना नमकदानी, वो छोटा होता है चम्मच, इसलिए मैंने 2 डाला है। वैसे आप जो टीस्पून लेंगी ना वो 1 ही है बस, और इसमें ज़्यादा मिर्चें नहीं डालिए, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, वो अभी खा नहीं पाता, मेरा बेटा छोटा है ज़्यादा मिर्चें नहीं खाता, इसलिए मैं मिर्चें कम ही डालती हूँ थोड़ी सी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये गर्म मसाला है, ये लास्ट में जाएगा नमक, स्वाद अनुसार डाल दीजिए जैसा आपको खाना है, मैंने ही डाल दिया और थोड़ी सी हल्दी बस। अब इसमें हम इसको सही से मिला देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने इसको सब मैरिनेट कर दिया। देखिए हाथ से कर दिया, क्योंकि हाथ सफाई से धो लीजिए, और हाथ से जो चीज़ होती है ना सही से वो वैसे नहीं हो पाती। और ये थोड़ा मुझे इसका कलर फीका लग रहा है, तो मेरे पास रेड फूड कलर है, मैं थोड़ा सा रेड फूड कलर इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा सा बाहर जैसा लुक आ जाता है और कुछ नहीं है।
ये देखिए मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगी। अगर आपके पास टाइम है पूरी ओवरनाइट का तो आप ऐसे कर लीजिए, अगर आपके पास 2 घंटे का टाइम है, जितना आप मैरिनेट इसको करेंगे उतना ये इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा और सही अच्छी तरीके से आपकी फिश अंदर मसाला अपने अंदर ले लेगी। तो जैसे भी आप रखना चाहो, जैसे किसी के पास टाइम नहीं है तो वो जल्दी कर लेगा, अब मेरे पास तो 2 घंटे का टाइम है तो मैं इसको 2 घंटे रखूँगी मैरिनेट करके। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी फिश को रखे हुए 2 घंटे हो गए, अब देखिए इसमें कितनी अच्छी तरह से मसाला मैरिनेट हो गया, सारा इसके अंदर तक मसाला चला गया। अब मैं इसको डालना शुरू करूँगी। ये देखिए मैंने ऑयल गरम कर लिया, अच्छा तेज़ गरम कर लिया, और जब ऑयल पूरा तेज़ गरम हो जाए उसके बाद हमको हमें इसको लो फ्लेम पे कर देना है जब हम फिश अपनी डालेंगे। तो देखिए मैंने हटा दिया और मैंने अपना ऑयल थोड़ा लो फ्लेम पे कर दिया। लो फ्लेम पे हमेशा फिश को डालें क्योंकि फिश बहुत मुलायम होती है और अच्छी तरह से जल्दी गल जाती है। देखिए मैं आराम से डाल रही हूँ इसको, अभी इसको अलट पलट नहीं करना आपको, ऐसे बस बनने देना। देखिए जितना स्पेस हो बस उतना ही डालिए, प्लीज़ ज़्यादा ना डालिए। ये देखिए बस मैंने 4 डाले हैं, इसको आप पकने दीजिए। देखिए थोड़ी मैंने हल्की फ्लेम कर दी है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, मैंने ऑयल तेज़ गर्म करके फिर बाद में इसको हल्के पे कर दिया सिम पे। ये देखिए मैं इसको 2 मिनट बाद इसको टर्न करती हूँ, इसको पहले नहीं छेड़ना बिल्कुल भी। ये देखिए क्योंकि आप छेड़े छाड़ी करेंगे तो फिर इसमें मसाला नीचे चला जाएगा। ये देखिए मैं अपनी फिश को टर्न कर रही हूँ, देखिए अब इसको पकने दीजिए, थोड़ी सी कुरकुरी होने दीजिए, 2 मिनट और छोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए। ये देखिए फ्रेंड अब मैं निकाल रही हूँ, 2 मिनट हो गए क्योंकि मछली बहुत जल्दी गल जाती है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना आपको। ये देखिए मैं इसको निकाल रही हूँ, आराम से हल्के हाथ से निकालना है इसको। ये देखिए बहुत अच्छी और टेस्टी मछली बनी है। देखिए आराम से निकालिए, तो आपका हाथ भी बचा के रखिए अपना, जले नहीं। ये देखिए जी मैंने निकाल दी इसको, देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है देखने में, इतनी खूबसूरत है। और देखिए ये ऑयल में, देखिए आप जो मसाला नीचे आ जाता है ना ऑयल में, वो नहीं है। देखिए थोड़ा बहुत तो निकलता ही मसाला, बिल्कुल नहीं निकला, ज़्यादा मसाला डालेंगे तो निकलेगा। ठीक है ये मैं इसको ऑयल के लिए रख देती हूँ, इसको छन्नी में रख देती हूँ ताकि ऑयल इसका सब नीचे आ जाए। मैं टिश्यू पेपर में रखूँगी और जब तक मैं उसमें और पीसेस डाल देती हूँ, और जैसी आपकी कढ़ाई हो ना वैसी आप पीस डालें इसमें। ये नहीं कि मैंने कह दिया 4 तो आप 4 ही डालेंगी, मेरी कढ़ाई छोटी है तो इसलिए मैं ना 4 पीस डालें। ये अब छोटा पीस है ना ये, तो मैं अब इसमें देखिए ज़्यादा डल जाएंगे, जैसे हिसाब से डले वैसे आप डाल दीजिए। ये देखिए आराम से डालिए हल्के हाथ से ताकि आप भी थोड़ी बची रहें छींटों से ऑयल से। देखिए ये जगह खाली दिख रही, मैं और डाल देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड मैंने इसको एक बार डाल के और टर्न कर लिया था, और देखिए अब मैं इसको निकालने वाली हूँ और मैं आपको फिर सर्व करके दिखाऊंगी। ये देखिए देखिए पीसेस, आपको देखिए कितने अच्छे लग रहा है, आपको देखने में इतने अच्छे लग रहा है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड मैंने सारी अपनी मछली निकाल दी है इसमें से, अब ये देखिए मैं इसको सर्व कर लिया, आप ज़रा तोड़ के देखिए कितनी अच्छी लग रही है और बिल्कुल गल गई हैं। देखिए ये देखिए कितनी आसानी से टूट रही है, इसको देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। देखिए कहीं से भी ऐसी नहीं है जो आपको कच्ची लगे, और आप खुद देख लीजिए कितनी अच्छी लग रही है, मुँह में पानी आ रहा है इसको देख के। फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरी हौसला अफजाई ऐसी रखिए, ऐसे मुझे प्यार बना रहे तभी भी मैं आगे आगे वीडियो अपनी डालती रहूँगी। ये बहुत इजी तरीके से बनी है, आपने खुद ही देख लिया कि कितनी ईजी तरीके से और कितनी जल्दी ये मछली बनी है। सिर्फ मैरिनेट मैंने 2 घंटे के लिए रखा था, मसाला इतनी जल्दी इसका तैयार हो गया, आपके सामने मैंने मसाला तैयार करा। ओके अल्लाह हाफिज़।